नमस्कार प्रिय साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितने मुखी रुद्राक्ष शरीर के किस अंग में धारण करना चाहिए। कंठ में कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपको सिद्धि और शक्ति देता है, दाहिने हाथ में बाएं हाथ में कितने मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को पहनना चाहिए, आज की वीडियो में शिव पुराण के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। छह मुखी रुद्राक्ष दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए, सात मुखी रुद्राक्ष कंठ में धारण करना चाहिए, आठ मुखी रुद्राक्ष मस्तक में धारण करना चाहिए, नौ मुखी रुद्राक्ष बाएं हाथ में धारण करने का विधान है। ज़्यादातर लोग गले में और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष धारण करते हैं संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए। सात मुखी रुद्राक्ष कंठ में धारण करना चाहिए और दाहिने हाथ में छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।